आराम से। इस्माइल भाई कुछ नहीं होगा आपको, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा इस्माइल भाई। देखा आपने कुंवर प्रताप कैसे हमारी तोपों के सामने सारे मुगल वापस भाग गए? आपकी तोपों ने उन मुगलों को भगा दिया, देखा हमने स्वयं देखा, कायरों की भांति में भाग गए। आपने हमारी बहुत सहायता की है, कुछ नहीं होगा आपको, हिम्मत रखिए, आप हमारे भाई हैं। नहीं कुंवर प्रताप, शुक्रगुजार तो हम हैं आपके, जो आपने हमें मुगलों के साथ लड़ने का मौका दिया। इन मुगलों ने हमारे घर उचाड़े, हमारे घर बिहार से निकाल दिया। ये मुगल किसी के नहीं है कुंवर प्रताप, ये बस लूटना जानते हैं, जीतना जानते हैं, पर बस राज करना जानते हैं, पर अपनाना नहीं जानते। इसलिए ये जमीन इनकी मादरे वतन कभी भी नहीं हो सकती। हम वचन देते हैं आपको, आप बस ठीक हो जाइए, फिर हम दोनों मिलकर उन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ का भार फेंक देंगे, देखिएगा आप। बस कुंवर प्रताप, हमारा साथ बस यही थकता, माफ करना का पूरा साथ नहीं दे सके। अब बस सोचा तो बस वो दावत छूट के जो आप साथ में करने वाले थे। वो दावत हमारे साथ नहीं। इस्माइल भाई हम राजपूत हैं, हमने वचन दिया था आपको और हम अपना वचन सदैव निभाते हैं। हम दावत करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर दावत करेंगे। कुंवर रानी साहब, कुंवर रानी साहब, इस्माइल खान को गोली लग गई है। क्या? जी रानी साहब। अजब थे। वो कहाँ नहीं मिला हमें? बहन, कुछ नहीं होगा हमारे भाई को, ये एक बहन का विश्वास है। आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका आपका भाई, पर इसके लिए अगर हो सके तो अपने भाई को माफ कर दीजिएगा। भाई देखिए, हम दोनों भाई मिलकर भोजन करेंगे, हमने हमको वचन दिया था। कुंवर प्रताप, अगर हम चले भी गए ना तो हमारी रूह हमेशा आपकी निगहबान बनकर रहेगी। ये आपसे एक पठान का वादा है कुंवर प्रताप। हर वक्त अल्लाह का करम आप पर चलेगा। इस बार इस वक्त आपको देने के लिए हमारे पास कोई तोहफा नहीं है बहन, पर हम आपसे वादा करते हैं चाहे हम रहे ना रहे, पर आपके सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। हम पठान औलादी ढाल बनकर इस दरार को रोकेंगे, जब तक एक भी पठान जिंदा है
कोई भी इस फौलादी दीवार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। इस्माइल भाई, अमर मेवाड़ सदैव आपकी ऋणी रही। संभल कर ले जाओ, उनको भी उठाओ, संभल कर। इस्माइल खान ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म व्यक्ति व्यक्ति को नहीं जोड़ता है, आपसे प्रेम जोड़ता है, मित्रता जोड़ती है, विश्वास जोड़ता है, किसी के अधीन न रहने का विचार जोड़ता है। इसे कहते हैं निस्वार्थ बलिदान। सभी घायलों का समुचित उपचार किया जाए और सभी वीरगति प्राप्त बलिदानियों का अपने अपने धर्मानुसार पूरे राजकीय सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार किया जाए और यह जितने भी मुगल शव हैं उनका भी उनके संस्कारों और धर्मानुसार अंतिम संस्कार किया जाए। हुकुम। संभाल कर ले जाओ। और हाँ, इन सैनिकों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। पहले तोपों से किले की दीवार तोड़ दो, उसके बाद हम करेंगे आखिरी हमला। मोड़ दो तोपों का रुख उस जानिब। उड़ा दो इस किले की दीवार को। मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जरूरत जहां पर के ही सामने उनके हुक्म का नाफरमानी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं ये काम नहीं कर सकता। रुक जाओ हुसैन अली कुली खान। जहां पर मैं उन सैनिकों पर गोले नहीं बरसा सकता, वो हमारे सिपाहियों के लाशों को बड़े एहतराम के तहत सुपुर्दे खाक कर रहे हैं। हम इस वक्त उन पर कैसे हमला कर सकते हैं? और कल को हम भी मारे गए तो कम से कम इतना तो इत्मीनान रहेगा कि हमारी लाशों को इनसे बाकायदा कब्र मिलने वाले। सही कह रहा है सिपाही, अभी हम हमला नहीं करेंगे। जब तक जंग में शहीद हुए तमाम सिपाहियों को ये लोग आखिरी रुख्सत नहीं कर देते, हम इंतजार करेंगे। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना बापू साहब? तुम डरो नहीं बेटी, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझे नींद आ जाए, तुम मुझे वो लोरी लोरी सुनाओ ना। रात हुई और सूरज डूबा, जीनी आस का जो तारा था वो भी डूब चला बाबू सा। अब तो भी सो जा बाबू सा, सुख सपनों में खो जा बाबू।
समय आ गया है उस उद्घोषणा को करने का जो हम अब तक नहीं करना चाह रहे थे। वो मुगल भली भांति जानता है कि हमारी सब तोपें नष्ट हो चुकी हैं, हमारी सैन्य शक्ति पहले से बहुत कम हो चुकी है। ऐसे में अवश्य युवाओं पर आक्रमण करेगा और दुर्ग का बचा पाना भी लगभग असंभव होते जा रहा है। कल युद्ध का अंतिम दिन है और ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, बस मात्र एक मार्ग ही है हमारे पास। जब बचने के कोई आस ना बचे और शत्रु के असंख्य सैन्य शक्ति के सामने हमारे सैनिक मात्र मुट्ठी भर के रह जाए तो अंतिम सांस तक और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले साका के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता। कल के युद्ध का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे और हम अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहना चाहें। जी कुंवर प्रताप, हम सब कल साका तो अवश्य कर लेंगे और मर मिटेंगे अपने मातृभूमि के लिए, किंतु उसके पश्चात मुगलों से संघर्ष कौन करेगा? हमारे मेवाड़ को इन मुगलों से मुक्त कौन कराए? आप कहना क्या चाहते हैं पत्ता? हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप जितना शीघ्र हो सके यहां से बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। ऐसी बातें कर रहे हैं आप पत्ता? क्या कुंवर प्रताप मुगलों को अपनी पीठ दिखाएंगे? आपके कहने का अर्थ यह है कि युद्ध के इस अंतिम चरण में आकर भाग जाएं बाऊजी राज प्रताप रणभूमि को छोड़कर? हम राजपूत वीरों के प्राणों का तो अर्थ है सर्वस्व बलिदान, आके रणभूमि छोड़कर भागना। यहाँ हमारे बीच केवल कुंवर प्रताप ही तो है जिनकी एक आवाज पर हर एक सैनिक हुंकार पड़ता है, अपनी जान निछावर करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम ये युद्ध कुंवर प्रताप के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अपने अंतिम सांसों तक युद्ध करेंगे। आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा पत्ता। एक कायर युद्ध भूमि छोड़कर भागता है, कल हम सब युद्ध लड़ेंगे, एक निर्णायक युद्ध, और परिणाम जो भी एक लिंग जी की इच्छा। हमने कभी भी हार जीत के बारे में नहीं सोचा और ना ही हम सोचेंगे। हमारा एकमात्र कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा, और जब तक शरीर में प्राण है हम इसकी रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्य को निभाएंगे, हर युद्ध लड़ेंगे। कुंवर प्रताप, जिसे आप निर्णायक युद्ध समझ रहे हैं, अपना कर्तव्य युद्ध समझ रहे हैं, वो तो केवल एक लड़ाई है, शत्रुओं के साथ सतत चलने वाली केवल एक लड़ाई। किंतु जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक चलने वाली उस अंतिम लड़ाई का क्या कुंवर था? कुंवर प्रताप, पत्ता का विचार हमें विचार करने योग्य लगता है। कल यदि मुगलों के विरुद्ध हम युद्ध हार भी गए तो भी मुगलों के विरुद्ध हमारा युद्ध सतत चलते रहना चाहिए। युद्ध का अंतिम प्रयास कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कुंवर प्रताप, अंतिम लक्ष्य जीतने के लिए हमारे सेनापति का जीवित रहना आवश्यक है। जयमल जी, आप सोच क्या रहे हैं? हमें बातों के जालों में उलझाइए मत, स्पष्ट कहिए। कुंवर प्रताप एक संगठित राजपूताना किसका स्वप्न है? हम सब भली भांति जानते हैं कि ये आपका स्वप्न है और आप सब
आप में से कोई भी यदि हमारे कुंवर प्रताप को छोड़कर हमें केवल एक नाम बता दे जो समस्त राजपुताने को मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए संगठित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, केवल एक नाम, और हम आपकी बात मान जाएंगे। कुंवर प्रताप, हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। केवल आप ही हमारा सर्वस्व है। यदि आप जीवित रहे तो हम जैसे सहस्त्र और वीर योद्धा आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप राणा उदय सिंह जी के पास जाकर पुनः राजपूतों की एक नई सशक्त सेना खड़ी कर सकते हैं अकबर के विरुद्ध कुंवर प्रताप। तो उसके लिए आपको जीवित रहना होगा। जयमल जी, जब उस मुगल ने अकस्मात मेड़ता पर आक्रमण कर दिया था तो क्या आप भागे थे जान बचाकर? नहीं ना। कुंवर प्रताप, आप भली भांति जानते हैं कि मुगलों ने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया था। ये तो आप थे जिन्होंने मुगलों की हर दीवार को भेद कर हमें दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस समय किसी और राजपूत के मन में तो हमारी रक्षा का विचार नहीं आया। कुंवर प्रताप, केवल आप ही हैं राजपुताने की अंतिम आशा। जयमल जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन कल इतिहास में क्या लिखा जाएगा? कुंवर प्रताप एक वीर योद्धा थे, उनमें राजपूतों को संगठित करने की क्षमता थी, परंतु वो अपने वीर सैनिकों को मुगलों के विरुद्ध दुर्ग में अकेला छोड़कर कायरों की भांति भाग गए। इतिहास हर क्षण बनता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है, और जीवन का हर एक क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है। साला जी, इतिहास में कल यह लिखा जाएगा, चित्तौड़ अकबर से लड़ाई हारने के बाद भी युद्ध जीत गया, क्योंकि बाऊजी राज प्रताप ने मेवाड़ के हर राजपूत के हृदय में धड़कने वाली, उसकी धमनियों में लहू के साथ बहने वाले स्वतंत्रता के विचार को कभी मरने नहीं दिया, सदैव सदैव जीवित रखा। ये लिखा जाएगा सांडा जी इतिहास। हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। हम भी सहमत हैं इस विचार से। कुंवर प्रताप का जीवित रहना आवश्यक ही नहीं, काफी तो अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हमारे इतने वीरों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। निसंदेह कल्ला, निसंदेह। बाऊजी राज, आज समय पत्ता ने जो बात उठाई है वो पूर्णतः उचित है। एक ये राजपुताना है, राजपुताना यहां कण कण में मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने वाला प्रताप, हमने निर्णय ले लिया है। हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपने वीरों के बलिदानों को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे, अपनी परंपराओं को हम यूं लज्जित नहीं करेंगे। यदि नियति हमें विरोचक मृत्यु का पुरस्कार देना चाहती है तो फिर ठीक है, कल हम भी युद्ध के मैदान में मुगलों पर प्रकाल बनकर अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगा लेंगे। कल हम स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे। हम कुंवर प्रताप सिंह, और यही हमारा अंतिम निर्णय है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.